बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में प्लेन राइस की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आप देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन सी चीजें रिक्वायर होंगी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने चावल लिए हैं, मैंने पुराने चावल 2 ग्लास लिए हैं, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी देख लीजिएगा। इसके साथ मैंने 2 दरमियानी साइज की प्याज ले ली है, जिसको मैंने लच्छेदार प्याज कट कर लिया है। 1 चम्मच बिरयानी मसाला, आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज मिर्च कटी हुई 1 अदद, 1 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, आपने हस्बे जरूरत इस्तेमाल करना है, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ हमने 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच हमने हल्दी ली है, 3 अदद मैंने सब्ज इलायची ली है छोटी वाली, 1 चम्मच हमने इमली पल्प के साथ ली है। चलिए अब हम चावल बनाना शुरू करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने 1 पतीली के अंदर 1/2 कप जो है वो ऑयल ले लिया है, और अब हम इसके अंदर अपनी कटी हुई प्याज को शामिल करेंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन कलर तक जो है वो पकाना है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है साथ ही अपना थोड़ा सा अदरक लहसुन की जो 1 चम्मच पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि 1 मिनट हो चुका है, अब मैं साथ ही इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को हमने काट कर इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने इसको तब तक पकाना है 1/2-1/2 सेकंड के लिए, जब तक टमाटर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, जो टमाटर हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स होने लगे हैं। तो अब साथ ही हम क्या करेंगे, अपने मसाले जितने थे हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इमली का पल्प और इसका जो सिरप है वो शामिल करूँगी। इसके साथ हरी मिर्च कटी हुई, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, बिरयानी मसाला, गरम मसाला पाउडर, इलायची, इसको हम थोड़ा सा इसका मुंह खोल लेंगे, और नमक शामिल कर। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं ढांक दूंगी 1 मिनट के लिए। जैसे इमली का पानी खुश्क होगा तो हम इसको 1/2 सेकंड मजीद मसाले को भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारा मसाला है वो भूनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, 2, 3, क्योंकि मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे इसलिए मैंने 3 ग्लास जो है वो पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको 1 उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, पानी उबलने लग गया है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपने चावल को ऐड करेंगे। चावल का पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब चम्मच अच्छे से हम हला लेंगे। चम्मच चलाने के बाद हम इसको ढांक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको अब तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, और फिर दम लगाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, जो चावलों का पानी है वो बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुका है। मैं अब इसको दम पर लगाऊंगी 10 मिनट के लिए। अब हमने इसको दम पर लगा दिया है, 10 मिनट बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें व्यूअर्स, हमारे चावलों को जो है दम आ चुका है। अब हम चूल्हे को बंद करके इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो प्लेन राइस थे वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको हमने डिश आउट कर लिया है और टमाटर, हरी मिर्च और प्याज के साथ हमने इसको गार्निश किया है। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसको घर पर ट्राई करें, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।